हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर आर के शाक। मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो बना करके आप लोगों को आवश्यक सूचना देनी चाहिए, आवश्यक जानकारी देनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं डायरेक्टर हूँ प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ये एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इस NCR रीजन का सबसे पुराना ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये आवश्यक जानकारी देना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोग देखेंगे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से पॉलिटेक्निक के फॉर्म निकले हुए हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो 8 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसका एंट्रेंस एग्जाम 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच में होगा। और इसके आप लोग देखेंगे, इसका जो तिथियां हैं इसके लिए वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो तिथि है 8 जनवरी से लेकर 29 फरवरी है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये 4 चरणों में प्रक्रिया संपन्न होगी एडमिशन की। सेकेंड जो चरण होगा इसमें 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद जो परीक्षा होगी उसका 8 अप्रैल को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट आएगा। और उसके बाद लास्ट जो चरण होगा, चौथा चरण, इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन मिलेगा पूरे प्रदेश भर में। वो राजकीय पॉलिटेक्निक्स भी होंगे, एडेड कॉलेज और प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स होंगे, जिसमें पूरे प्रदेश भर के बच्चे एडमिशन लेंगे। ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा ये भी कई चरणों में होगा, और ये 25 मई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में ये प्रक्रिया संपन्न होगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उसकी तरफ से। तो www.gcupadmission.nic.in, इसको अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म को अगर आप फिल करेंगे तो इसमें लास्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरने का ये फी है शासन की तरफ से। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 300 रुपये है इसका शुल्क, और SC ST बच्चों के लिए 200 रुपये का शुल्क है। तो इस वेबसाइट के थ्रू या जो ये कोड लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है, इसके माध्यम से भी फॉर्म आप भर सकते हैं। ये हमने हमारे संस्थान की तरफ से फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर एक URL जनरेट किया गया है, इसको आप लोग स्कैन करके खोलेंगे इंटरनेट के थ्रू तो भी एक गूगल फॉर्म खोल के आ जाएगा। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है आप अपलोड कर देंगे, या ये स्कैनर है इसको भी स्कैन करके कर सकते हैं। तो हमारे संस्थान की तरफ से टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को 50% का रिबेट दिया गया, छूट दिया गया है। जनरल OBC SC जो 300 रुपये फीस लग रहा था उसको 150 रुपये में हमारे संस्थान की तरफ से, जो हमारे IT पर्सन फॉर्म भर के देंगे आपको, और SC ST के बच्चे मात्र 100 रुपये लेंगे, और बाकी 50% हमारा संस्थान बियर करेगा इस फीस को। तो इस तरीके से आप लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो 10वीं के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। 10th में 35% उसका मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। बाकी इंटरमीडिएट के बच्चे भी भर सकते हैं, वो चाहे आर्ट्स साइड के हैं या साइंस साइड के, सभी बच्चे एलिजिबल हैं। ITI और साइंस वाले बच्चे लेटरल एंट्री के लिए भी एलिजिबल होते हैं, कि वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है वो 2 साल का होगा। और इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं इसी पॉलिटेक्निक में, फार्मेसी का भी आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसको भी आप लोग भर सकते हैं। इसमें मिनिमम 50% न्यूनतम मार्क्स की जरूरत होती है साइंस वाले बच्चों के लिए, वो चाहे मैथ का हो या बायोलॉजी का हो। तो ये एलिजिबिलिटी है। ये बच्चे इस फॉर्म को केवल और केवल 29 फरवरी तक ही भर सकते हैं, उसके बाद में उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो पूरे प्रदेश भर के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जनरली देखने में आता है कि बच्चे डेट निकल जाती है, फॉर्म नहीं भर पाते और फिर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। इस बार 13 जुलाई को शासन के द्वारा एक नोटिस देकर के ये बता दिया गया कि लास्ट ईयर 2023 को, कि
कि कोई भी बच्चा डायरेक्ट एडमिशन लेता है तो वो एडमिशन मान्य नहीं होगा। इस तरीके से पिछले साल करीब करीब पूरे प्रदेश भर में 1.5 लाख बच्चे ऐसे रह गए जिनका एडमिशन मान्य नहीं हुआ। तो ये आप लोग गलती ना करें, जो बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, डीफार्मा करना चाहते हैं, जरूर हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है और इस स्लाइड को आप लोग देखेंगे तो हमसे संपर्क करके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक और डी फार्मेसी के लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि पॉलिटेक्निक कितना महत्वपूर्ण कोर्स है और जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, जिनके माँ बाप 15 से 30-35 हज़ार की नौकरी करते हैं, उनके लिए पॉलिटेक्निक बहुत ही अच्छा है, एक संजीवनी की तरह साबित होगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों को जानकारी है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक और अगले वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि पॉलिटेक्निक कितना आवश्यक है उन परिवारों के लिए जिनकी फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।